तो भाई जो ये नाला आ रहा है, ये ग्रीन कलर वाला वाटर आपको दिख रहा होगा लेफ्ट साइड में, ये पाकिस्तान से आता है। हाँ तो भाई ये रहा टाइगर हिल, जो जब इंडो और पाक का आपस में जंग हुआ था बैटल। दीपू भाई उड़ गए भाई, हवा से उड़ गए। पाकिस्तान का बॉर्डर और इंडिया का बॉर्डर है, जो उसके बीच में खाली क्या है, नाला है। तो उस साइड पाकिस्तान का बॉर्डर और इस साइड इंडो इंडिया। भाई ये क्या हो गया भाई को? तो हो चुके हैं भाई चढ़ाई पे स्टार्ट नमकीला के लिए। तो भाई अभी ले यहाँ से है 200 किलोमीटर, और अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल दीपू खान। आई होप सब अच्छे से होंगे, मजे में होंगे एंड बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आपका दीपू भाई लेके आ गया एक और इंटरेस्टिंग व्लॉग। अगर व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें एंड इंस्टा पे फॉलो कर दे, लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो भाई क्या करें, चलती गाड़ी में ही व्लॉग स्टार्ट करना पड़ा, क्योंकि बहुत दिनों से रोके थे, अब मन नहीं करता है रुकने का। ऐसा करते हैं कि कंटिन्यू चलें और लद्दाख पहुंचे जल्दी से। तो लास्ट व्लॉग में आपने देखा था कि भाई मीना मार्ग पहुंच आए थे, तो व्लॉग थोड़ा लंबा हो रहा था, वो वहीं पे एंड किया। तो अभी वहीं से दूसरा व्लॉग मैंने जस्ट स्टार्ट किया। तो जो जो चैनल पे नए सब्सक्राइब कर दें एंड अपने JKLH व्लॉग्स की पूरी सपोर्ट करें, ताकि हम ताकि हम लद्दाख से वापस ना आए तो भाई का 1K+ होना चाहिए एंड आपके दीपू भाई का 10K+। तो चलो आपका भी ज्यादा समय ना गवाते हुए, बातें ना करते हुए, करते हैं आज का व्लॉग भी यहीं से स्टार्ट। तो करें एंजॉय वीडियो का भाई। हाँ तो भाई नॉइज पोल्यूशन आती होगी थोड़ी, क्या करें भाई, ट्रक लाइफ में ऐसे ही व्लॉग होंगे। तो पहला गांव भाई जोजिला पार करते ही पहला ही गांव आ गया, जिसको बोलते हैं भाई मिटाइन। तो ये रहा एक छोटा सा गाँव, जो कि सर्दियों में अराउंड 3 या 4 महीने इसमें कोई कनेक्टिविटी, कोई गाड़ी टच, मतलब दराज से इसको कुछ आपस में टच ना, कश्मीर से इधर से तो ना उधर से, मतलब कारगिल से यूटी से किसी के साथ कोई इसको टच नहीं होता है 2-3 महीने। सर्दियों में ये जो ये गांव है ये इधर नहीं रहते, इनका कोई कनेक्टिविटी नहीं होती है, ये कोई चले जाते कारगिल, कोई श्रीनगर, कोई कहां, बट आजकल आ जाएंगे आप वापस। तो चलो ज्यादा बातें ना करते हुए भाई आप वीडियो करें एंजॉय। भाई यहाँ रुके अपने आगे मुजफ्फर भाई, ये आगे ही आगे चल रहे थे तो मिले, ये बंगी हमारा संगी जो कि बहुत खतरनाक है। नहीं भाई उधर से नो बंगी ऑनली संगी। अभी मटान क्रॉस कर तो निकल आए थे, फिर भाई भाई से थोड़ी देर बातें की अपने मुजफ्फर भाई से। तो ये हो गया पंद्रास, ये रहा, ये लोग यहाँ ही रहते हैं सर्दी में, ये नहीं जाते इधर उधर। तो द्रास के साथ इनकी कनेक्टिविटी रहती है भाई, इनकी रहती है भाई, बट बहुत सर्द, बहुत ही ठंडी जगह है ये भाई, बहुत ज्यादा। तो आगे अब आ जाएगा अपना द्रास आ जाएगा, इसके बाद आ जाएगा द्रास भाई, करें एंजॉय। हाँ तो भाई ये रहा टाइगर हिल, जो जब इंडो और पाक का आपस में जंग हुआ था बैटल जो हुई थी, तो ये वही जगह है, वो देखें आप पहाड़ पूरा मतलब बमबारी से काला हो रखा है। तो इधर काफ़ी ज़्यादा शहीद हुए थे, मतलब इंडिया की आर्मी भी और उनकी भी। तो ये वही है भाई पाकिस्तान बॉर्डर, यहाँ से दिख रहा है वो जहाँ पे बर्फ़ नज़र आ रही थी, ये पाकिस्तान बॉर्डर है भाई। और जो ये दीवार साथ में नज़र आ रही है भाई, ये गाड़ियों के लिए रखी थी, ताकि उधर से कोई भी बम वगैरह आता तो सेफ्टी के लिए गाड़ियाँ इसके पीछे खड़ी करते थे। तो जो ये ऊपर वाइट वाइट पहाड़ नजर आ रही है भाई, ये हो गया पाकिस्तान का बॉर्डर उस साइड से। तो भाई पहुंच गए हम द्रास, जो वर्ल्ड सेकंड कोल्डेस्ट प्लेस है भाई, मतलब पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पे आती है ये जगह। इधर बहुत ज्यादा ठंड होती है, बहुत माइनस रहता है इधर। तो ये मार्केट है भाई द्रास का, छोटा सा मार्केट है। तो द्रास अपना हो चुका है पार, तो अभी इसके बाद अपना कारगिल आएगा, इसके बाद आएगा भाई अपना कारगिल। तो वीडियो पे बने रहें, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए।
भाई बस थोड़े ही समय बाद करगिल पहुंच जाएंगे। तो भाई जो ये नाला आ रहा है, ये ग्रीन कलर वाला वाटर आपको दिख रहा होगा लेफ्ट साइड में, ये पाकिस्तान से आता है। तो यहाँ से आगे जाके फिर लौट के ये पूरा पानी पाकिस्तान ही चला जाता है ना भाई। तो देखो कितना साफ वहाँ पे नीला और ये थोड़ा काला काला पानी है। तो आगे जहाँ से ये फिर लौट के पाकिस्तान में जाता है तो वो जगह भी दिखाता हूँ, जस्ट वेट। और ये रही भाई खबानी, जो बहुत ही मशहूर है इधर की। तो फूल आ गए भाई, एप्रिकॉट्स जैसा भी समझो अपनी अपनी भाषा में। तो ये है भाई छानी गुंड, जो करगिल से थोड़ा ही सर नीचे है। तो पूरी खबानी ट्रीज हैं इधर, जितने भी आपको नज़र आ रहे हैं, बहुत खबानी है भाई। व्यू क्या है, अल्टीमेट भाई। भाई यहाँ की फेमस चीज़ है जो, वो यही है एप्रिकॉट्स, जिसको बोलते हैं खबानी। क्या भाई बड़े बड़े खेत हैं खबानी के, बहुत ज़्यादा मशहूर है। वाह 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 वाह, दिल खुश हो गया भाई। देखें भाई घर कहाँ पे हैं। सर्दियों में बहुत ज़्यादा सर्दी रहती होगी इधर, बट आज टेम्परेचर बहुत बढ़िया है क्योंकि फेरन वेरन हमने निकाल दिया, अब थोड़ा नॉर्मल टेम्परेचर है, बहुत मज़ा आ रहा है। तो जैसा कि मैंने बोला था, सभी पानी फिर वापस जाएगा यहाँ से पाकिस्तान। तो ये रहा भाई, ऊपर से भी जो नाला आता है करगिल साइड धनस्कार साइड से, वो रहा ये, और सभी इधर संगम है। तो यहाँ से पूरा पानी जाएगा पाकिस्तान भाई। तो ये रहा ये जो ये नाला है भाई, ये धनस्कार से आता है। हाँ तो गाइस करगिल पहुँचे, और यहाँ से जैसे हमें सोनामर्ग में रुकाया था ऐसे पैसेंजर गाड़ी इधर रुकाई है, आगे के लिए नहीं छोड़ी है अभी। तो सभी गाड़ियाँ इधर ही है, ये देख सकते हैं आप, ट्रक भी पीछे रुकाए होंगे कहीं। तो भाई हमें यहाँ से लेना है लेफ्ट, बाईपास लेनी है क्यों, आगे मार्केट है भाई। तो करगिल के लिए हो गया सीधा आगे, तो नो एंट्री है अभी, नाइट के टाइम जा सकते हैं, और धनस्कार भी वही रास्ता है। तो हमें लेफ्ट, जैसा कि आपने देख लिया ब्रिज पे चढ़ा है। तो ये रहा जी करगिल मार्केट एंड जहाँ लोग रहते हैं, मतलब मेन करगिल टाउन यही है। हाँ तो भाई जो ये लेफ्ट जाता है रोड बिटालिक, यहाँ से 51 किलोमीटर दूर है। तो जहाँ पे खाली पाकिस्तान का बॉर्डर और इंडिया का बॉर्डर है, जो उसके बीच में खाली क्या है नाला है, तो उस साइड पाकिस्तान का बॉर्डर और इस साइड इंडिया का। तो ये है वो रोड भाई। तो देखते हैं कभी जाएंगे वहाँ भी तो दिखाएंगे वहाँ के वीडियो भी, और वही व्लॉग्स, मतलब मैं अपने दम से पूरा दिखाना चाहता हूँ। ऐसा नहीं मैं दो चार शॉर्ट मतलब एपिसोड बनाऊँगा ताकि आपको भी काफ़ी देखने को मिले। देखें भाई कितने सारे आए इधर भाई, आर्मी की भर्ती है तभी ये लोग, कोई यूपी कोई कहां से, कोई आगरा कोई कहां से, जैसा कि लास्ट वीडियो में आपने देखा भी था। तो यहाँ ही है भाई भर्ती, कितने सारे लोग आ रखे हैं। तो भाई जो मेन करगिल था सिटी वगैरह, तो वो अपना हो चुका है बाहर। तो अभी चल रहे हैं भाई हम लद्दाख वाली हाईवे पे, मीर भाई वो जा रहे हैं आगे आगे, और मैं और मुजफ्फर भाई हैं इस टाइम साथ। सेफ ड्राइव ब्रो, भाई बहुत अच्छी ड्राइव करते हैं, काफ़ी मज़ा आया भाई, बहुत ज़्यादा मज़ा आया इनके साथ मुझे, हद से भी ज़्यादा भाई। पहाड़ देखो, मतलब ना कोई पेड़ है पहाड़ पे ना कुछ, आप देख सकते हैं मतलब बिल्कुल नंगे पहाड़ भाई, पूरे नंगे पहाड़। और ऐसा है इसको मतलब लाइट रिफ्लेक्ट होती है, आंखें जलती है आगे से भाई। कुछ जब भी आए तो ब्लैक चश्मे ज़रूर पहने भाई। तो भाई थोड़ी ब्रेक ली क्योंकि गाड़ी में कोई आवाज आ रहा था चेक। तो अब मैं फिर जा रहा हूँ अपने समीर भाई के साथ, और ये मुजफ्फर भाई। भाई सच बोलो मेरे साथ कैसा मजा आया आपको? बहुत मजा आ गया, मजा आ गया। चलो अब जाते हैं उनके साथ, समीर भाई के साथ अब बैठते हैं थोड़ा समीर भाई के साथ, चलो कंटिन्यू करते हैं फिर। तो भाई अभी ले यहाँ से है 200 किलोमीटर और, तो कंटिन्यू है राइड। पता नहीं रात को 12 बजे पहुंचेंगे 1 बजे पहुंचेंगे भाई आगे, क्योंकि चढ़ाई आएगी उतराई आएगी लामा यूरू वगैरह,
को आपको पता होगा, कुछ लोगों को, कुछ उनको तो नहीं पता होगा, तो सभी एंजॉय करें वीडियो का भाई, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें एंड सपोर्ट करें। तो कुछ भाइयों ने बेल आइकन प्रेस नहीं की, बेल आइकन भी प्रेस करें, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दें भाई। दिल से लव यू सबको भाई। ये क्या हो गया भाई को, इधर क्या सीन है ये भाई? तो वाका पहुंचा है भाई, तो भाई को पता नहीं चक्कर आ गया, क्या सीन हुआ, ऐसा नहीं मैं बोल सकता कि क्या हो गया क्या नहीं। तो अभी नमकीला यहाँ से अराउंड 14 किलोमीटर है, नमकीला ट्रक रोके हुए हैं, ये खुद ही अपनी मर्जी से रुके हैं भाई, क्या रुकाए रोके हैं। अच्छा है, इधर ही कान भाई रोकी है ट्रक वाली भी। तो हो चुके हैं भाई चढ़ाई पे स्टार्ट नमकीला के लिए, तो अब गाड़ी बहुत ही आराम से चलेगी और ज़्यादा खींचनी भी नहीं है क्योंकि ओवर हीट हो जाएगी गाड़ी। तो आराम आराम से चढ़ रहे हैं अब नमकीला की चढ़ाई। तो वो रहा भाई लास्ट नमकीला टॉप, वो देख सकते हैं आप जहाँ पे भाई, जहाँ पे है लास्ट टावर नजर आ रहे हैं आपको, यही रहा नमकीला टॉप। तो चढ़ रहे हैं अभी हम भी चढ़ाई, तो व्यू देखो भाई, दिल्ली लूट लेते हैं भाई, ये देख सकते हैं आप बादल क्या है भाई, बादल वाह। तो फाइनली भाई पहुंचा है नमकीला टॉप पे, ये देख सकते हैं आप मतलब समुंदर तल से कितनी ज़्यादा हाइट पे है, 12,198 feet। ये देख सकते हैं भाई क्या नज़ारा है भाई, बड़ी नाइस पोजीशन आती होगी, बहुत तेज ना बहुत तेज चल रही है हवाएं। अभी शमी भाई से भी बात हुई थी तो बोल रहा था जल्दी लौट के आ जाओ, बहुत मिस कर रहा हूँ आपको, मैंने बोला बहुत जल्दी आ रहे हैं भाई। भाई और अपने समीर भाई भी लगे हुए हैं अपना व्लॉग शूट करने को, और ज़्यादा से ज़्यादा भाई की सपोर्ट करें क्योंकि भाई लेह लद्दाख ही चलते हैं कंटिन्यू, और भाई क्या ही बोल सके नज़ारा क्या है। दीपू भाई उड़ गए भाई, हवा से उड़ गए भाई, तक क्या किधर गया हवा से, तुमने खाली ऊपर फेंक दिया है यार। चलो निकलते बाय बाय नमकीला, बाय बाय। तो नमकीला हो चुका है पार भाई अपना, तो भाई अपना नमकीला टॉप आपने देखा हो चुका है पार, तो अभी यहाँ से पार करके भाई आ जाएगा लामा यूरो। तो भाई ऑलरेडी व्लॉग लंबा हो चुका है, तो रखते हैं आज के व्लॉग में भी इतना ही। तो अगर आपको किसी भी एंगल से व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, एंड इंस्टा पे फॉलो करते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो मिलते हैं कंटिन्यू भाई, नेक्स्ट व्लॉग भी भाई अपने ले ही का आएगा, तो ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखें, बाकी लव यू दिल से ऑल, अल्लाह हाफिज़।